बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहां कहां होता है वो सीख लिए थे, उस पर एक दो सवाल देख लिए थे, आज उसी पे हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन ऑन सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन ऑन सेंटर ऑफ मास। पिछले क्लास में दो बॉडीज को ऐड करके सेंटर ऑफ मास निकालने सीखे थे, आज किसी बॉडी में से किसी बॉडी को अगर निकाल लिया जाए तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो हम लोग करेंगे। तो लिखिए एक सवाल, अ कोन ऑफ रेडियस कैपिटल आर, a cone of radius capital R and height also capital R is scooped out from a solid hemisphere M comma R as shown in figure, locate center of mass of the system, एक hemisphere है, इस hemisphere का radius capital R है, इस solid hemisphere है, इससे हम लोग एक कोन को निकाल लिए, जिस कोन का रेडियस देखिए ऐसा है और इसका बेस यही वाला है। तो मैं इसको दूसरे पेन से दिखाऊं आपको, तो ये कोन है और इस कोन का ये बेस है, इतना निकाल लिए तो जो आपको दिखेगा ना वो सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा, जो मटेरियल दिखेगा वो आपको इतना ही पार्ट दिखेगा। इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या आप समझ पाए सिचुएशन कैसा है? पिछले क्लास में हम लोग क्या करते थे, दोनों जो दो बॉडीज होते थे उसका सेंटर ऑफ मास लिखते थे, उसको ऐड कर देते थे। इस बार क्या करेंगे देखिए, आप फिर से समझिए कि क्या किया गया है। पहले हम लोग क्या किए होंगे, एक सॉलिड हेमिस्फीयर लिए होंगे जिसका मास कितना होगा एम और रेडियस आर। तो पहले आप एक सॉलिड हेमिस्फीयर बना लीजिए। ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम लोग एक सॉलिड हेमिस्फीयर दिखा लेंगे। अच्छा, ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ये हम लोग हेमिस्फीयर बना लेंगे पहले, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये जो हेमिस्फीयर है सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास याद किए थे, सॉलिड हेमिस्फीयर। बताओ आने कहाँ होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास? मतलब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, बता रहे 3r/a। हाँ, वेरी गुड, सेंटर से थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर? 3r/8। वेरी गुड, सेंटर से 3r/8 यहाँ पर इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है। इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो देखिए वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे, 0, और y कोऑर्डिनेट 3r/8, और इस सॉलिड स्फीयर का मास कितना कहेंगे m, इस सॉलिड स्फीयर का मास कितना कहेंगे m। ये तो दिया हुआ है सवाल में, देखिए। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस कर दिए, निकाल लिए, इसलिए माइनस कर दिए, निकाल लिए का मतलब माइनस कर दिए। क्या माइनस कर दिए, एक कोन इस तरह से। कैसा कोन माइनस करोगे, हॉलो कोन की सॉलिड कोन, हॉलो कोन बोल रहा है। इमेजिन करिए कि ये एक हेमिस्फीयर है, इसमें से कोन निकालोगे तो मटेरियल के साथ निकालोगे, खाली उसका पुतला निकालोगे, साइड वाला पूरा मटेरियल भी निकालेंगे, तो सॉलिड कोन ही माइनस होगा। सॉलिड बॉडी में से सॉलिड ही चीज निकालता है, तो क्या माइनस हुआ इसमें से, सॉलिड कोन। तो ये सिस्टम कैसे बना होगा, एक हेमिस्फीयर में से एक कोन को माइनस कर, इसलिए माइनस कर दिए। इस कोन का रेडियस कितना है r, और इस कोन का हाइट भी कितना है r ही। कैसे पता इस कोन का हाइट भी आ रही है, तो आप देखिए यहां ये है हाइट और ये भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। अब बताइए सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, r/4। सॉलिड कोन का
h बाय फोर पे, सॉलिड कोन का सेंटर से h बाय फोर ऊपर होता है, यहां पर होता है सेंटर ऑफ मास h बाय फोर, जो कि यहां r बाय फोर होगा, x कोऑर्डिनेट तो फिर से जीरो क्योंकि y एक्सिस पर है, r बाय फोर। अब इस सॉलिड कोन का मास कितना होगा ये हम लोग को नहीं पता, और ये निकालने के लिए इस बात का महत्व है कि आप क्लास 10 पढ़े हैं या फिर अकैती करके पास किए हैं, जिसको एक बार में समझ में आ जाएगा मतलब क्लास 10 पढ़े हैं, जिसको एक बार में समझ में नहीं आएगा मतलब फकैती की है। हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर में जो मास होता है सॉलिड हेमिस्फीयर में, वो मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लेंथ पर, उसके एरिया पर, कि उसके वॉल्यूम पर, वॉल्यूम पर, समझिए जरा इसको। रॉड जो होता है वो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, रॉड में जो मास है वो उसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलोंग मास है। रिंग जो है, रिंग ये कहा, ये जो रिंग है इसमें जो मास है वो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पर, सर्कमफेरेंस पर, 2 पाई आर। रिंग और रॉड ये किसका एग्जांपल है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क, डिस्क किसका एग्जांपल है, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें मास एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सिमिलरली हॉलो कोन, हॉलो कोन किसका एग्जांपल है, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर नहीं, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट, उसका मास कहां पे होगा, उसके सारे सरफेस एरिया पे होगा। सिमिलरली हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर जो खोखला हेमिस्फीयर, सोचिए प्लास्टिक का बॉल आधा, इमेजिन कर पा रहे, अभी मैं दिखा दूंगा अगर आप कहेंगे तो, हॉलो हेमिस्फीयर वो किसका एग्जांपल है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन का। सॉलिड हेमिस्फीयर वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2 by 3 pi r cube, 2 by 3 और 2 by 3 pi r cube वॉल्यूम का मास कितना है, m, ठीक है, इतना मास है। तो क्या हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम, 2 by 3 pi r cube, ये इसका डेंसिटी। ये बताओ ये सोना का हेमिस्फीयर था, इससे कौन निकाले, तो वो कौन सोना का ही होगा कि चांदी का हो जाएगा, सोना का ही होगा, मतलब जो डेंसिटी इसका है वही डेंसिटी इसका भी होगा। इसका डेंसिटी कितना लिखोगे, यहां से लिखो m by 2 by 3 pi r cube। अब अगर मुझे इसका मास लिखना है, इसके मास को हम लोग m2 कह देते हैं, इसके मास को m1 कह देते हैं, इसके मास को क्या कह देते हैं, m2। इसका मास क्या लिखेंगे, इसका वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू। अब बताइए कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1 by 3 pi r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, इनटू h, वो तो r ही है, 1 by 3 pi r क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मास, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी एरिया, पाई आर क्यूब बाई थ्री, पाई आर क्यूब बाई थ्री कट गया, ये कितना हो गया मास, तो इसका हम लोग को सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी पता है और मास भी पता चल गया, इसका भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है और इसका मास भी पता है। अब फॉर्मूला लिख दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां भी जीरो है, यहां भी क्या है, जीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाय m1 plus m2। अब चलिए y coordinate of center of mass है, क्या formula होता है, m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2। देखिए ये तब होता है जब दो system add हो रहा हो, यहाँ दो system क्या हो रहा है, subtract हो रहा है, तो ये जो बीच में plus का sign है वो किसमें convert हो जाता है, minus में, बस ये ध्यान रखना। जब किसी में से कोई चीज निकालते हैं तो वो sign बीच में किसमें convert हो जाता है, minus। बताइए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं, m1 इस बॉडी का मास कितना है, m into इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना है, 3r/8, तो m into 3r/8 माइनस इसका मास कितना है, m/2 into इसका y कोऑर्डिनेट r/4 डिवाइडेड बाय m1 - m2। m1 ये मास कितना है, m माइनस m2 कितना है,
इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखा हुआ है 3mr/8 -mr/8, तो एलसीएम तो 8 ही हो गया, 3mr -mr 2mr/8, 2 से कट गया 8 चार बार में, तो mr/4 अपॉन, और ये हो गया m/2, तो mm कटा 2 से कट गया, तो ये कितना हो जाएगा r/2, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा r/2 पर, नोट कर लीजिए। इस बात पे एकदम ध्यान रखें कि जैसे टीचर बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको भी बनाना है, तभी आप सीखेंगे, तो कभी नहीं बनेगा। देखिए एक सवाल समझते हैं, फिर से वाला, एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस है r/2 और इसको स्कूप्ड आउट कर लिए, कहां से, फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल r, एक बड़ा सा स्फीयर होगा, देखिए ये एक बड़ा सा स्फीयर था रेड वाला, इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस r था, मास m था, उसमें से एक छोटा स्फीयर को यहां से निकाल लिए, भाई ये छोटा स्फीयर निकाले हैं, इसका रेडियस तो r/2 ही होगा, सही बात है, इस पूरे का इसको तो डायमीटर कहते हैं, डायमीटर r के बराबर होगा, छोटे वाले के लिए छोटे वाले का डायमीटर r के बराबर होगा, रेडियस r/2 होगा। अब कह रहे ये सिस्टम आपको दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे, पहले आपको क्या सिखाया है, ये जो सिस्टम है ये कैसे बना होगा पहले आपको बनाइए, तो इसको बनाएंगे बोलेंगे हम लोग कि देखिए ये बना होगा, जो क्वेश्चन में लिखा है कि एक बड़ा सा स्फीयर था, तो ले लीजिए भाई एक बड़ा सा स्फीयर, इस बड़े से स्फीयर का मास कितना था बोलिए, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इस बड़े से स्फीयर का मास m था और इसका रेडियस r था, तो इसका जो मास होगा उसको हम लोग m1 कहेंगे, और इस बड़े से स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसके सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग यहां दिखा देते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे 0, 0, ओके का, फिर क्या किया हम लोग, इसमें से माइनस किए, किसको माइनस किए, एक छोटे से स्फीयर को, और वो कहां से माइनस किए हैं, इधर वाले पोर्शन से, देखिए एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ओरिजिन से इधर वाले पोर्शन को हटाया है, तो उस चीज को यहां दिखाइए ऐसे, ये महत्व है डायग्राम का, आपको डायग्राम बिल्कुल वैसे ही दिखाना है, कहां से निकाले हैं यहां से, तो यहां पे दिखाई देखिए डायग्राम, ये चीज निकाल लिए, ये जो निकाले इसका भी सेंटर ऑफ मास लिखिए, मास लिखिए और सेंटर ऑफ मास लिखिए, दोनों चीज को लिखना है, मास और सेंटर ऑफ मास पे फॉर्मूला लगा देना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो भाई ये तो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, तो यहां होगा, ये सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे भाई, ये लेंथ लिखिए, ये लेंथ कितना है r/2 है, उसके रेडियस के बराबर, r/2, 0, ये जो छोटा स्फीयर इसका मास कितना होगा, इसका मास लिखिए, अब इसका मास कैसे लिखेंगे, फिर से वही बात कि ये जो स्फीयर है उसमें मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम क्या होता है, मतलब सॉरी डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मास m बाय इस स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, अब डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, इसका मास लिखना है m2, तो वो लिखिए डेंसिटी रो जो कि यहां लिखा हुआ है m/4/3 πr³, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम तो फिर से ये स्फीयर ही है 4/3 πr³, इसका रेडियस का क्यूब, तो r³/3, तो देखिए 4/3 πr³ से 4/3 πr³ कट गया, तो m2 का वैल्यू कितना हो गया m/8, अब तो खाली फॉर्मूला लगाना है, बताइए x कोऑर्डिनेट यहां भी जीरो है, यहां जीरो नहीं है, y कोऑर्डिनेट यहां क्या है, यहां भी y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा, उसको निकालने का जरूरत है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, m1 x1 - m2 x2 / m1 - m2, m1 इसका मास कितना है m, into x coordinate कितना है
जीरो माइनस एम टू, इसका मास कितना है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर बाय 16 है ना, एम वन माइनस एम टू, इसका मास m माइनस एम टू कितना है m बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा माइनस एम आर बाय 16 अपॉन ये हो जाएगा 7 m बाय 8। तो देखिए m से ये m कटा, ये 8 से ये 16 दो बार में कटा और ये 2 नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस r बाय 14। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा माइनस r बाय 14 कॉमा 0। ऑब्वियस बात है कि इधर से मास निकाल लिए तो इधर तो खोखला साइड हो गया तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर मास होता है, मास इधर ज्यादा होगा उधर ही शिफ्ट होगा, मास इधर ज्यादा होगा इससे नेगेटिव में शिफ्ट हो गया, क्या वैल्यू हो जाएगा माइनस आर बाय। सब क्वेश्चन में यही काम करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन फिर से लिखूंगा सिर्फ स्क्वायर की जगह मैं डिस्क कर दूंगा, उसमें भी यही काम करना है, खाली बस ये ध्यान रखना है कि डिस्क में मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरिया। एक बात और सुनिएगा, ये जो हम इतना डेंसिटी लिख करके निकाल रहे हैं ये इसीलिए निकाल रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि आप लोग सब टेंथ बेकार करके आए, समझ में आपको नहीं आती, अगर हमको सॉल्व करना होता भाई हम तो ऐसे सॉल्व करते। स्फीयर है, अच्छा स्फीयर का वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब होता है और मास तो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस अगर आधा हो जाएगा तो रेडियस का क्यूब 1/8 हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम 1/8 टाइम्स घट जाएगा और क्योंकि वॉल्यूम 1/8 टाइम्स घट जाएगा इसलिए मास भी 1/8 टाइम्स घट जाएगा, इसका मास है इसका मास है m / 8, मैं डायरेक्ट लिखता है इसे। अगर यही डिस्क होता तो हम डायरेक्ट करें डिस्क का एरिया, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है वॉल्यूम, मास मतलब डिस्क का मास किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस आधा हो जाएगा तो मास क्या हो जाएगा 1/4, ये मास m है तो ये कितना हो जाएगा m/4, ये तो मेरी समझ है, आप लोग पता नहीं कैसे समझते हैं तो इसलिए हम बेसिक तरीके से बताते हैं। चलिए ये लिखिए और फिर इस स्फीयर के लिए खाली क्या कर दीजिए डिस्क कर दीजिए, a small disk of radius this is scooped out from a disk of mass m and radius r as shown in the figure, locate the center of mass, सिर्फ दोनों जगह जो स्क्वायर वर्ड लिखा हुआ है यहां और यहां उसको डिस्क करके आंसर निकाल के दिखाइए। तो क्या क्वेश्चन चेंज कर दिया हम लोग, देखिए ये जो स्क्वायर था उसके लिए हम लोग क्या कर दिया डिस्क, तो दोनों जगह से मैंने स्क्वायर मिटा दिया और इसके बदले हम लोग क्या लिख देते हैं यहां डिस्क। डिस्क में खाली ध्यान रखना कि जो हैचिंग हम लोग करते हैं वो ऐसे, हाँ सीधा हैचिंग करते हैं, 2D फिगर है ना तो इसमें सीधा हैचिंग करेंगे, तो आप सिचुएशन ऐसा दिखने लगा। इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, पहले एक कंप्लीट डिस्क जिससे नहीं बना था, देखो अभी ध्यान से, बहुत लोग से बन गया था तो वेरी गुड अच्छी बात है, ये पहला डिस्क बनाएंगे कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है, इसका मास m लिखेंगे रेडियस r और इस बार मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पर। अब देखिए ये वाला डिस्क यहां लिख दिए, इसका रेडियस r पर तो इसका सेंटर ऑफ मास ये, खाली अब मास लिखने का तरीका चेंज हो गया, खाली अब मास लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, इसका मास m कहेंगे जो m1 है और इसका मास m2 क्या कहेंगे m by 4, कितना कहेंगे m by 4, 1/4 हो जाएगा मास, क्यों 1/4 हो जाएगा क्योंकि एरिया 1/4 हो गया, यहां मास एरिया पर डिपेंड कर रहा है, इसका एरिया कितना लिखोगे पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया कितना लिखोगे पाई आर स्क्वायर बाय 4 क्योंकि रेडियस तो r बाय 2 है ना, उसका स्क्वायर कितना होगा r स्क्वायर बाय 4, एरिया देखो 1/4 हो गया इसलिए मास भी 1/4 हो जाएगा। अब हम लगा देंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, लगाइए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का m1 कितना है m into x1 वो तो 0 है तो 0 दी थी माइनस m2 कितना है m by 4 into x2 r by 2 by m1 minus m2 this minus this, तो 3m by 4 विकट के
हो जाएगा माइनस आर बाय सिक्स, तो सेंटर ऑफ मास का क्वाड्रेंट क्या हो गया माइनस आर बाय सिक्स कॉमा जीरो, ये आंसर। अगला सवाल इसी में हम ये कह रहे हैं कि जो इस डिस्क निकाले इसको निकाल करके अगर यहां रख दे, अब बताइए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या, पहले लिखिए फिर वो सवाल लिखना है। तो अगले सवाल में हम लोग क्या किए, एक डिस्क लिए कंप्लीट सा, उसमें से एक छोटा डिस्क निकाले जितना पिछले क्लास में किए थे, अब वो छोटा डिस्क पिछले क्वेश्चन में करके क्या किए उसको हटा दिए थे, लेकिन आप क्या कि वो जो निकाला हुआ डिस्क है उसको यहां रख दिए, अब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए। तो आप बस वही सब काम किए जो काम किया गया है, पहले क्या किया गया होगा एक डिस्क लिया गया होगा पूरा, देखिए ले लिए, इसमें से इधर वाले पोर्शन से एक डिस्क निकाला गया, तो निकाला गया मतलब माइनस ये, फिर इसको क्या किया गया रखा गया किधर इधर साइड, तो क्या कहेंगे प्लस, और किधर साइड रखे देखिए यहां, और ये प्लस होगा ध्यान रखिए यहां प्लस लिखे, इसका भी मास तो वही होगा m बाय फोर, मास तो कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसका क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे देखिए ओरिजिन के इधर है तो माइनस आर बाय टू कॉमा जीरो, और अब जो फॉर्मूला होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास m1 x1 माइनस m2 x2 प्लस m3 x3, सिमिलरली यहां भी क्या हो जाएगा प्लस, फिर फॉर्मूला बना दीजिए m1 x1 x1 तो क्या है 0 तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस m2 x2, m2 है m by 4 और x2 कितना है r by 4, तो मल्टीप्लाई में कितना हो गया mr by 8 प्लस m3 x3, m3 है m by 4, x3 है minus r by 2, मल्टीप्लाई होके माइनस आर बाय एट, क्या लिखना पड़ेगा माइनस आर बाय एट, प्लस माइनस माइनस लाइक लिख दे बाय m1 वो है m माइनस m2 वो है m बाय 4 प्लस m3 वो है m बाय 4, ये कट गया ये हो जाएगा माइनस mr बाय 4, तो माइनस r बाय 4 ये कितना हो जाएगा माइनस r बाय 4, सेंटर ऑफ मास का क्वाड्रेंट हो गया माइनस r बाय 4 कॉमा 0। समझ गए, एक और सवाल दे कर लेंगे हम लोग आपको, आज तो इस डिस्क का हम चित्री चित्री कर देंगे। पहले क्या था सवाल, इधर ये एक डिस्क था कंप्लीट में, इधर में से एक निकाले थे r by 2 रेडियस का, इधर में भी से एक निकाल देंगे r by 4 रेडियस का, तब बताइए सेंटर ऑफ मास कहां होगा। हाँ बता रहे, पहले ये लिख लीजिए, लिख लो फिर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, एक ये कंप्लीट डिस्क है और इसमें से मैंने दो छोटे छोटे डिस्क निकाले हैं, एक डिस्क तो मैंने यहां से निकाला है और इस वाले डिस्क का रेडियस कितना है, डायमीटर तो r के बराबर होगा, इस वाले डिस्क का रेडियस कितना होगा r by 2, और एक मैंने यहां से डिस्क निकाल दिया है छोटा सा, इस वाले डिस्क का रेडियस कितना है r by 4 है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, इस वाले का रेडियस कितना है r by 4, इस वाले का रेडियस कितना है r by 2, फिर से सोचिए इस सिस्टम को हम लोग कैसे दिखाएंगे कि भाई देखिए एक बड़ा सा डिस्क, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, इस डिस्क का मास कितना था m, रेडियस कितना था r, तो m1 हमारा कितना हो गया m, और इस डिस्क का सेंटर, डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पर ही होता है 0 कॉमा 0, तो x1 का वैल्यू हो गया 0, y1 का वैल्यू भी क्या हो गया 0, अब इसमें से निकाल दिए मतलब माइनस किए, किसको निकाले एक डिस्क को कहां से इधर साइड से, ये डिस्क बना दीजिए, इस डिस्क का मास क्योंकि इस डिस्क का रेडियस कितना हो गया है आधा हो गया है, बोलो रेडियस तो पहले से कितना हो गया है आधा, तो मास कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि मास यहां एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है
और एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो भी सीखे ना। समझ में आ रहा है तुमको किसका मास कितना हो जाएगा? अगर नहीं समझ में आया मैं यहां लिख देता हूं, इसका एरिया ए1 वो होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ए2 कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, एरिया 1/4 हो गया, इसके मास भी 1/4। इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये ना इसका सेंटर ऑफ मास, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे r by 2 और y कोऑर्डिनेट 0, तो r by 2 हम लोग का हो गया x 2 और 0 हो गया हम लोग का y 2। और क्या किए, यहां से भी एक डिस्क निकाल दिए माइनस, जहां से निकाले वहीं दिखाइए उसको सही से, ये देखिए यहां से इसका सबसे पहले मास लिख लेते हैं, इसका मास कितना होगा m3, और इसका मास कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, ये वाला लेंथ कितना है इसका, रेडियस r by 4 है, तो इसका एरिया कितना होगा a3 pi r square by 16, तो इसके कंपैरिजन में तो एरिया 16 टाइम्स घट जाएगा, तो इसका मास कितना होगा m by 16। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो भाई कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस y एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और y कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाला लेंथ होता है, और ये लेंथ कितना होगा, इस चीज को आप यहां से देखिए, ये लेंथ हम लोग लिखना चाह रहे हैं, ये लेंथ कितना लिखेंगे, तो पूरा रेडियस तो r होता है, बोलिए, और ये कितना है r by 4, ये क्या लिखेंगे 3r by 4, क्या लिखेंगे 3r by 4, ये हो गया हम लोग का x3 और ये क्या हो गया y3। अब फॉर्मूला लगाइए, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, चलिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1, बोलो आगे माइनस की प्लस माइनस क्योंकि नेगेटिव निकाले हैं, माइनस m2 x2, फिर क्या माइनस m3 x3 बाय m1 minus m2 minus m3। अब लिखिए m1 वो है m और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, पहला वाला टर्म 0 हो गया, माइनस m2 कितना है, m2 है m by 4 into x2 वो कितना है r by 2, माइनस m3 x3, m3 है ये x3 तो 0 है, तो वो लिखने लगे बाय m1 minus m2 minus m3, m1 है m माइनस m2 वो है m by 4 माइनस m3 वो है m by 16, ये हो गया माइनस mr by 8 अपॉन LCM लेंगे तो LCM हो जाएगा 16, यहां हो जाएगा 16 माइनस 4m तो 12m माइनस m 11m, तो वो देखिए ये जो m है उस m से ये m कट जाएगा और ये 8 से दो बार में सुंदर कट जाएगा, तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया जाएगा माइनस 2r by 11, चलिए उस तरीके का थोड़ा सही याद। अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, खाली x की जगह y हो जाएगा सब जगह, m1 y1 वो तो 0 है, m2 y2 तो y2 भी 0 है, m3 y3 तो यहां माइनस में था माइनस m3, m3 है m by 16 into y3 कितना है 3r by 4 upon m1 minus m2 by m3 तो निकाल चुके 11m by 16, तो m by 16 से ये m by 16 से ये m by 16 गया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा minus 3r by 44, hence आंसर फाइनल लिखा है यहाँ, hence सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा माइनस टू आर बाय 11 कॉमा माइनस 3r बाय 44। अब नीट में ऐसे सवाल तो नहीं पूछेंगे, इतना थोड़ा मेहनत करने वाला नहीं पूछेगा, लेकिन दो जैसा पिछले क्लास में किया था ना, मतलब पिछले क्वेश्चन में किया था ना, दो निकालने मतलब एक निकालने वाला वो पूछ सकता है, जेई मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एक आध बार नीट में भी पूछा जा सकता है, कई बार एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम लोग इतना करते हैं, बस ये हो गया सेंटर ऑफ मास जोड़ करके निकालने वाले पे सवाल। हम लोग एक फॉर्मूला और लिखे थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
एक फॉर्मूला आप लिखे थे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उस पर सवाल कर ले तो हम लोग का सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास का यूज सब जगह पड़ेगा आगे, रोटेशन का पहला ही टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का यूज सब जगह पड़ेगा। अगले क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल को मर्ज करके पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे, वहां भी सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा आगे। फिर यहीं जहां भी जाएंगे वहां सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, खत्म नहीं हो रहा सेंटर ऑफ मास। लेकिन क्वेश्चन जितने पूछ रहे थे वो कर लेंगे, तो उसको लिखिए, फिर वो जो दो तीन फॉर्मूले पड़े थे उस पर दो सवाल कर लेंगे। तो दो सवाल हम लोग और लिखे थे, एक था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, क्या सवाल लिखे थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, एम वन वी वन। लेकिन ध्यान रहे वो वी वन क्या था, वेक्टर फॉर्म में था, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बाय एम वन प्लस एम टू, और सिमिलर फॉर्मूला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का लिखे थे, क्या लिखे थे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू बाय एम वन प्लस। अब इसे वेलोसिटी में तो डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि एम वन दे दिया, एम टू दे दिया, वी वन दे दिया, वी टू दे दिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ लिया, वो निकाल सकते हैं जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर। एम वन वी वन, एम वन ए थ्री, वी वन ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नाइन आई कैप प्लस ट्वेल्व जे कैप, एम टू वी टू फाइव से ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइव आई कैप माइनस टेन जे कैप बाय एम वन प्लस एम टू, थ्री प्लस फाइव कितना हो गया एट, तो आई वाला कितना है नाइन प्लस फाइव फोर्टीन आई कैप, 12 जे कैप माइनस 10 जे कैप हो जाएगा 2 जे कैप बाय 8, 8 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए ये हो जाएगा 7 बाय 4 आई कैप प्लस 1 बाय 4 जे कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर इसका स्पीड पूछ दे मतलब मैग्नीट्यूड पूछ दे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, तो दोनों निकालने को जानते हैं अंडर रूट, पहले 1 बाय 4 तो कॉमन है ना दोनों में तो बाहर रख दीजिए, बाकी क्या बचा 7 आई कैप, तो 7 का स्क्वायर 49, 1 जे कैप तो 1, रूट क्या हो गया 50, 49 प्लस 1 कितना होता है 50, 50 का रूट 5 रूट 2, 50 क्या लिखेंगे हम लोग 5 रूट 2 बाय 4 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड वाइज हो गया। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछना तो वो हो सकता है ऐसे एटवुड मशीन दे दे आपको, एटवुड मशीन लोग लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे, एटवुड मशीन इसका एग्जांपल है सिंपलेस्ट पुली ब्लॉक सिस्टम का, सिंपलेस्ट पुली ब्लॉक सिस्टम का। अब इसे कहे कि देखिए ये M1 है ये M2 है और M1 M2 से बराबर है, M1 M2 से ज्यादा है, तो क्या होगा ये वाला A से नीचे जाएगा बोलो, और ये वाला A से ऊपर जाएगा, और ये A निकालने हम लोग सीखे हैं, कैसे सीखे थे खाली वेट दिखाइए, इसका वेट कितना हो गया M1g और इसका वेट कितना हो गया M2g, जो वेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है उसको सपोर्टिंग कहते थे और जो वेट एक्सेलरेशन के अपोजिट है उसको अपोजिंग कहते थे, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, तो m1 माइनस m2 into g बाय टोटल मास m1 प्लस m2, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स हो गया फोर्स बाय टोटल मास। इस तरह से हम लोग किसी एक ब्लॉक का एक्सेस निकालते। अब अगर मैं कहूं कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालिए तो आप ये वाला फॉर्मूला में रख देंगे, लेकिन वो लिखने के लिए पहले मेरे को a1 इसका एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। a1 क्या लिखेंगे, a1 का मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना कहेंगे वेक्टर फॉर्म, कितना कहेंगे a माइनस j क्या नीचे की तरफ जी बोलो, इसका एक्सेलरेशन a2 क्या कहोगे a लेकिन किधर की तरफ जी। अब फॉर्मूला लगाइए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, m1 a1 तो m1 तो m1 ही है इनटू a1 कितना है माइनस aj क्या प्लस m2 a2 तो m2 और a2 कितना है aj क्या बाय m1 प्लस m2। देखिए कैसे सॉल्व कर रहा है, हम लोग क्या किए aj क्या कॉमन ले लिए या माइनस aj क्या कॉमन ले लिए, यहां क्या बचेगा m1 माइनस m2 बाय M1 plus M2, बोलो ठीक है? यार किसी को दिक्कत है? अगला स्टेप देखिए, इसको सेंटर ऑफ मास दिखता है। माइनस A का वैल्यू तो पता है हम लोग को, ये देखिए,
एक का वैल्यू रख दीजिए m1 माइनस m2 इनटू g बाय m1 प्लस m2 इनटू ये बार फिर से है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू g। अब चाहे तो ना इसको तो सीधा सीधा एक ही साथ यहां स्क्वायर में लिख दे, यहां खाली कर, ये तो सेम रिपीट हो रहा था ना, इनटू g इतना g का माइनस g, ये हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आगे से हो सके तो इसको याद रखना है, डायरेक्ट खाली ये याद रखना है कि इसमें स्क्वायर होता है, इंपॉर्टेंट है ये, नीट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई मेंस में पिछले के पिछले साल ये सवाल पूछा गया है डायरेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो माइनस जे कैप तो खाली डायरेक्ट बता रहा है, मैग्नीट्यूड ये हो गया है ना। अब इसमें मास भी दे सकता है, पांच तीन चार पांच कुछ दे करके पूछ दे, तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। एक ऐसा क्वेश्चन आप दे दे करेंगे आप लोग, इसको लिखिए फिर एक सवाल और करा देते हैं। आखिरी सवाल आज का देखिए, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये तो फिर से एटवुड मशीन नहीं है, लेकिन एटवुड मशीन के जैसा है, ये हम लोग दौड़ पोर्शन में सीखे हैं। इसका वेट 40 न्यूटन होगा, इसका इधर तक कंपाउंड कितना होगा 40 sin 37 अलोंग द इक्वेशन sin थीटा होता है, sin 37 कितना होता है 3/5, 40 into 3/5 कितना हो जाएगा 40 into 3/5 तो 24 न्यूटन, और ये जगह 60 का जगह कंपाउंड 60 इनटू साइन 53 4 बाय 5 तो 60 इनटू 4 बाय 5 48 न्यूटन। तो ये वाला इधर जाएगा ए से ज्यादा है क्योंकि, और ये वाला इधर जाएगा बी से, ठीक है। और ए हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा सपोर्टिंग फोर्स क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा अपोजिंग फोर्स, 48 माइनस 24 24 बाय टोटल मास 10 कितना हो गया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस वेक्टर को वेक्टर डायग्राम बनाइए, जैसे ऐसे वेक्टर डायग्राम बनाइए, ये वेक्टर ऐसे है तो ये ऐसे दिखाइए और ये ऐसे है तो देखिए हॉरिजॉन्टल अगर लाइन यहां बनाएंगे तो ये 53 है तो ये एंगल 53 होगा, ये एंगल 53 होगा, इस ए के कंपोनेंट लिखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, इसी तरह इसका भी लिखिए, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस टास्क होगा और इसको आसान किया जा सकता है। और वो आसान कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है, देखिए ये एंगल कितना है ये एंगल कितना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए इसको हम लोग y एक्सिस कहेंगे और इसको x एक्सिस, पता था आप लोग कि एक्सिस भी हम लोग अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको क्या कह देंगे y एक्सिस, को क्या कह देंगे x एक्सिस। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसको अगर हम लोग a1 कहें वो क्या लिखेंगे a और किधर की तरफ है x में, इसको हम लोग i कैप कहेंगे, तो कितना हो जाएगा ai कैप है ना। इसके एक्सेलरेशन को अगर हम लोग a2 कहें तो कितना हो जाएगा a और ये माइनस हो रही तो y की तरफ है, y की तरफ तो j कैप कहते हैं a j कैप है ना, देखो आसान हो गया i कैप j कैप सीधा लिखना, लेकिन ये तभी हो पाया जब ये कितना था नहीं होता तब तो वैसे ही कंपोनेंट ब्रेक करेगा। तो एक्सेस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया m1 a1 6 into a तो 6 a i कैप M2 A2 4 into ये AJ cap 4 AJ cap by M1 plus M2 4 6 10 कुछ कॉमन है इन दोनों में 2A कॉमन है, क्या कॉमन है 2A, नीचे 10 हो गया, यहां क्या बचा 3I cap plus 2J cap तो ये हो जाएगा 0.2 into या इसको भी ऐसे ही रख दीजिए। हम लोग क्या निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड, ये तो कॉमन है a/5 एलसीज रह गया 2 से 10 कट जाएगा
इसका मैग्नीट्यूड खाली लिख दीजिए, कितना लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो a बाय 5, और a हम लोग को पता है 2.4, 2.4 में 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा 0.20 में दे रहे हैं, तो 4 बार में हो गया, फिर 4 बचा, और 0.48 बचेगा, ये a बाय 5 का वैल्यू लिखिए, और ये कितना हो गया इनटू रूट 30 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको चाहे तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके इसके पॉइंट उठाएंगे तो 100 नीचे, पॉइंट उठाएंगे तो 100 नीचे, काटेंगे तो 24 बटा मतलब 4 से काट दो तो 12/25 हो जाएगा। इस फॉर्म में आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा देखिए, तो 12√13/25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से पूछेंगे सर इसको कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेट दिखा दीजिए, तो मैं अप्रोक्सीमेट भी आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। ये तो था 0.48 और रूट 13 को अपना 1300 समझिए, कितना समझिए 1300, तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है 1024, 33 का 1089, 35 का होता है 1225, 36 का 1296, 1296 1300 पहुंच गया, मतलब ये किसका रूट होता है 3.6। बचपन में अगर मेहनत करे होंगे, बचपन में आपको 5 क्लास में कहा जाता था कि बाबू 50 तक का टेक वो स्क्वायर याद रखो, लेकिन अब तो से स्क्वायर याद रखने ये तो चिका इधर तो अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिंदगी ऐसे ही गुजर गया आपका, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 × 36, 6 × 48 का मिला 4, 6 × 24 4, 28, 8 × 24 का मिला 2, 4 × 12 ये 5, 1728। अगर मेरा गणित सही तो यही होगा 1.728 मीटर पर सेकंड। तो ये थे सेंटर ऑफ मास निकालने के सवाल, वेलोसिटी निकालने के सवाल और एक्सेलरेशन के ऊपर। अगली क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल को रिलेट करके पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे, जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है वो रास्ते में टूट जाता है तो कैसे कैसे जाएगा। एक सवाल है बहुत फेमस, मिस्टर वर्मा मिस्टर शर्मा हैं वो किसी प्लैंक पर हैं, दोनों साइड नाव पे हैं, चल रहे हैं तो कितना डिस्प्लेस करेगा, ये सारे सवाल हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू, फॉर नाइस।